तो ये है शिवम प्लेस, जिसने हमारे लाइफ क्राफ्ट एसएमपी में कुछ रूल्स तोड़े और हमारे स्पॉन को बर्बाद कर दिया। हमारे एसएमपी के स्पॉन में बहुत सारे विदर को स्पॉन कर दिया गया एंड एसएमपी के सारे बंदों को चाहिए इससे रिवेंज। बट इस बंदे को ट्रैप करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, डैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि मीटिंग करते वक्त सारे एसएमपी के मेंबर्स एक ही जगह पर ऑनलाइन होंगे। एंड जहाँ पर मीटिंग होने वाला था वहाँ पर मैंने ट्रैप बनाया ताकि मैं उसे ट्रैप कर सकूँ एंड उसे बहुत ज्यादा खतरनाक प्रिजन में बंद कर दूँ। ये सब करने के लिए मैंने अपने लिए एक टीम बनाया टू टेक द बिगेस्ट रिवेंज ऑन लाइफ क्राफ्ट एसएमपी। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर हमारा मीटिंग शुरू हो चुका है, एसएमपी के सारे मेंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये मीटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग का एसएमपी फूट चुका है एंड उसके जिम्मेदार वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेरा टारगेट ये था कि सबको यहाँ पर भाषण देने का मौका मिलना चाहिए। ओ भाई कितनी जनता है भाई, नमस्कार नमस्कार, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और एसएमपी नहीं फोड़ना था भाई, बहुत गलत, बहुत बहुत गलत हुआ यार, हमारा सारे के सारे मेहनत वाले घर चले गए। तो मेरे भाई और बहनों, हाँ, लोग इधर आए हैं एक मीटिंग पे। तो मीटिंग का मेन विषय या चर्चा है कि शिवम प्लेस ने एसएमपी फोड़ दिया, लेकिन क्यों फोड़ा? मेरे वजह से ही फोड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि शिवम प्लेस और आयुष को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस ये बोल के मैं अपना स्पीच खत्म करता हूँ, थैंक यू। एंड जिस चीज का मुझे इंतजार था वो फाइनली हो चुका था, शिवम प्लेस स्टेज में आ चुका था। तो देखो तुम लोग मेरे से बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गए कि हम दोनों ने मिलकर पूरा एसएमपी उड़ा दिया, लेकिन देखो ये भी बात थी कि तुम लोग में से कोई भी एसएमपी में आ नहीं रहा था, तो फिर तो आ नहीं रहा था एसएमपी उड़ा दोगे तुम भाई? तो तुम लोग आ भी तो नहीं रहे थे इतने दिन। अरे मैंने बिना कुछ टाइम वेस्ट किए लीवर को प्रेस कर दिया, जिसके कारण ट्रैप एक्टिवेट हो गया और वो नीचे गिर चुका था। ये क्या है? व्हाट व्हाट? मारो बैनर भाई, मार मार मार। आयुष भाई भाग कहाँ रहा है ये? मारो 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 आयुष को, मारो मारो मारो। भाग रहा है, भाग रहा है यार, मार, भाग रहा है साला, भाग रहा है भैंस की, खत्म। एंड इस तरीके से मैंने शिवम प्लेस से अपना रिवेंज लिया, मेरा घर फोड़ने का बदला एसएमपी फोड़ने का। और जैसे ही मैं नीचे मारने के लिए गया, ऊपर मेरी टीम ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा था एंड शिवम प्लेस के साथ उसका पार्टनर भी यहाँ पर मारा गया। हमें लगा था अब सब कुछ सही हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ओ भाई कितना ज़्यादा क्रेजी था भाई, उसको नीचे जाके मैंने मारा। ओके यहाँ पर बारिश भी हो रहा है। ओए हेलो रिप्टाइड वाले, रेडी हो जा भाई, यहाँ पर बारिश हो रहा है। अबे यार फिर से, अबे भाई ये क्या कर रहे हैं? अरे फिर से विदर स्पॉन कर रहे हैं भाई ये लोग। एसएमपी छोड़ के चले गए ये विदर। इधर मेरे कैसे के पीछे भाई, रुक जा जी, मैं आ रहा। यस, उन लोगों ने दोबारा एसएमपी के अंदर विदर स्पॉन कर दिया एंड इस बार कुछ ज्यादा ही थे, विदर स्पॉन कर दिए मेरे कैसे के पीछे। चल गया, रुक जा भाई, इसकी ऐसी तैसी ठोक दूं मैं। अबे यार भैंस की, ये मिल जाए मुझे, बस ये मिल जाए जी यार। अबे भाई कितने लोग इधर, कितने भी डर रहे। मुझे मिल गया ये उधर मिल गया। ये विदर क्या है ये? मैं विदर मारता हूँ भाई। जाएगा ये विदर, गया एंड क्रिस्टल से ही मार दिया मैंने इसको। एंड क्रिस्टल से आप लोग विदर को सेकंड्स में मार सकते हो भाई, चाहे वो बहुत ज्यादा विदर्स क्यों ना हो। एंड इसके हेल्प से मैंने बहुत सारे विदर को मारा। अरे मैं दो विदर से निपटा रहा हूँ भाई, पहले ही भाई यहाँ तो इसका टोटम गया। क्रिस्टल भाई एंड क्रिस्टल मेरा भाई गया। हाय काय काय शिवम प्लेस, पानी के इंतजार के धड़कन रहा रहा रहा। शिवम प्लेस को ट्रैप करना भाई, इसको प्रिजन डालो सबसे पहले। उसको मारो भाई, उसको बैन करो यार, बहुत बैन नहीं भाई, इसको प्रिजन डालो सबसे पहले। हर हाँ हर बार भाई एसएमपी में शिवम प्लेस गया क्या? शिवम प्लेस सामने मार भाई, क्या कर रहे तुम्हारे सारे सिर तुम्हारे सामने वो ऐसे है। क्या पता, थोड़ी ना था, मैं तो सामान ले रहा था। एंड बहुत टाइम फाइट के बाद फाइनली शिवम प्लेस दोबारा से मारा जाता है। उसके बाद मैंने और मेरी टीम ने चारों तरफ से इनको घेर लिया। ब्रो फाइनली मेहनत रंग लाया भाई, हम लोगों ने इनको ट्रैप कर लिया है। उसके बाद फिनटेक्स गेमिंग ने उन दोनों को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रिजन में कैद कर दिया। हेलो हेलो हेलो, अरे फिनटेक्स सपोज तुमने मेरा सारा सामान ले लिया उसके बाद मेरे को मार दिया तो? अब तुम लोग सोचोगे मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। लाइक देखो, तो प्रिजन को बनाया है फिनटेक्स गेमिंग ने, सो ही इज द गार्ड ऑफ आवर प्रिजन। एंड हमारे प्रिजन के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि प्रिजन के अंदर जाने से पहले आप लोग को अपना इन्वेंटरी क्लियर करना पड़ेगा एंड प्रिजन के अंदर हम लोग फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एंड इस प्रिजन के अंदर बहुत सारे अलग अलग कोड्स हैं एंड पासवर्ड्स भी हैं जो सिर्फ फिनटेक्स गेमिंग को पता है। कहाँ पर है प्रिजन?
आओ आओ चुपचाप आओ, ज्यादा बको मत, बेकार है भैया। अब इधर से वी तुम्हारा बाल नहीं लगा, मैं ऐसे ही पर मार दूंगा। काफी गिरा भाई, माइनिंग फटिक लग रहा है। हाँ तो माइनिंग फटिक क्यों नहीं लगेगा। आइए आइए अंदर आइए, इधर अपना सारा सामान खाली कर दीजिए भाई। मरोगे नहीं भाई, प्रिजन का रूल है, कुछ नहीं कर सकते। क्या बनाया है प्रिजन? कॉन्ड्रीट पावर आ रहा है तो कभी माइनिंग फटिक लग रहा है। तो इधर इधर पहले इधर एक पल फेंकिए, ध्यान से गड़बड़ नहीं तो आप मर सकते हो। फेंक दिया। हाँ। नाइस, पीछे चलिए, पीछे 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 पीछे, उधर उधर उस साइड पे, उसके ऊपर खड़े होकर बटन दबाइए। पक्का दबाओ भाई। गिर गया। अब सामने ये जगह है चेकिंग का जगह। हाँ। तो हमारे रूल्स में दो रूल्स है। निकलो सामने निकलो। अरे कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ पे दो रूल्स है। या तो आप इधर बेड पे रिस्पॉन करके इधर जाके पूरा चेकिंग करवा सकते हैं, या फिर डिस्कॉर्ड पे स्क्रीन शेयर करके दिखाना होगा कि आपके इन्वेंटरी में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं डिस्कॉर्ड में तुमको स्क्रीन शेयर कर दिखाता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके अभी दिखाओ। ठीक है, हाँ देख लिया। ओके अब आके इधर वेट करो, इधर खड़े हो। हाँ इधर खड़े हो। ठीक है, मैं खड़ा। फिर से दिखाते है चुपचाप, इधर पीछे पीछे इधर। तुम अगर दूसरा कुछ डालोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ। अब इधर आइए, ये खा लीजिए, और इधर फिर से डबल कीजिए। ठीक से, ध्यान से। तो अब इस बेड पे आ जाइए, इस बेड पे सो जाइए, सो जाइए, मरना नहीं है, सो जाइए। रात है? रात नहीं है, नहीं है। तो रात के लिए आपको वेट करना होगा थोड़ी देर। जब तक रात नहीं होता तब तक अंताक्षरी खेलते चलो। गाना का फिनटेक्स। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। ए गार्ड के साथ मजाक, अभी मार दूंगा। अरे few inches later सो के लीव कर देना। हाँ, सो के उठता है। हाँ ओ हो गया। हाँ उठो। हाँ ओके अब सो जाओ। पक्का? हाँ सो जाओ, तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। हाँ उठो उठ जा। हाँ भाई ट्रैप हो गया मैं। अरे लॉल, गलती से मिस्टेक भाई, मेरे को प्रिजन में डाल दिया भाई। ये इधर इस बारे में, इसमें सो जाऊं। उतरे। हेलो एसएस ग्राफिक्स शिवम भाई, कैसे हो? फाइट नहीं करने आए, बात करने आए। और कैसा लग रहा है ये प्रिजन? भाई प्रिजन में होके पूछते हो कैसा लग रहा है, शर्म नहीं आती। एसएमपी का लॉयल गार्ड, मैं चेस्ट खोल के भी नहीं देखूंगा। लॉयल, फुल लॉयल्टी। तो अब मैंने प्रिजन का पूरा टूर कर लिया था और मुझे पता चल गया था कि शिवम प्लेस है कहाँ पर।